हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सीखेंगे टोरोडोंटिज्म, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर नीट MDS एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये देखा गया है बहुत बार, और MCQs भी पूछे जाते हैं यहाँ से। तो लेट्स स्टार्ट। टोरोडोंटिज्म, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो बड़ा दांत, लार्ज टूथ। ओके, ये याद रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये क्या है? ये एक डेंटल एनोमली है इन विच द बॉडी ऑफ द टूथ इज एनलार्ज्ड। ओके, सो जो बॉडी ऑफ द टूथ है यहाँ पे वो एनलार्ज हो जाता है एट द एक्सपेंस ऑफ रूट्स, रूट पोर्शन में भी एज वेल एज क्राउन पोर्शन में भी। ओके, इसको बुल लाइक टीथ भी बोला जाता है। ये MCQ याद रखना है, क्योंकि ये बड़ा है इसी वजह से इसको बुल लाइक टीथ बोला जाता है। ये MCQ याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ये टोरोडोंटिज्म को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्री पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक जो पहला है हाइपोटोरोडोंट, दूसरा है मीजोटोरोडोंट, और जो तीसरा है हाइपर टोरोडोंट। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी आता है ये। सो समझते हैं पहले, जो नॉर्मल टूथ होता है उसको बोलते हैं साइनोडोंट, वो नॉर्मल होता है। ओके, अब इसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं। जो हाइपोडोंट होता है, हाइपो इट्स मीन्स कम, सो जो इसका जो ट्राइफर्केशन या फिर बाइफर्केशन जो है, ये नॉर्मल टूथ से, यहाँ पे नॉर्मल है जी, जो हाइपोटोरोडोंट है इट मीन्स जो नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे होगा अपाइसिस पे, इसका ट्राइफर्केशन और बाइफर्केशन। ओके, अब मीजोटोरोडोंट की बात करते हैं, तो मीजोटोरोडोंट नॉर्मल टूथ से और नीचे होगा। ओके, अपाइसिस की तरफ, रूट की तरफ इसका बाइफर्केशन। ओके, अब हाइपरटोरोडोंट की बात करेंगे तो इसका जो बाइफर्केशन है आप देख सकते हैं, ये बहुत ही नीचे है, मतलब बहुत ही अपाइसेस, अपाइकल रीजन में बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो ये डिफरेंस है इसका। आई होप आप समझ गए होंगे, हाइपोटोरोडोंट, मीजोटोरोडोंट एंड हाइपरटोरोडोंट। ओके, नाउ जब टोरोडोंटिज्म की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं नॉर्मल जो पल्प चैम्बर है एंड इन सब में जो डिफरेंस है, इसके जो पल्प चैम्बर्स है वो भी एनलार्ज होते जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे। तो ये क्लासिफिकेशन याद रखना है, हाइपोटोरोडोंट, मीजोटोरोडोंट एंड हाइपर टोरोडोंट। ओके, अब इसकी इटियोलॉजी पढ़ते हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसा, बुल लाइक टूथ क्यों हो रहा है ये? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ हर्टविक एपिथिलियल शीट, जो रूट बनाता है ये हर्टविक एपिथिलियल, मेरा एक वीडियो है आप उसमें जाके सीख सकते हैं हर्टविक एपिथिलियल कैसे बनता है, रूट फॉर्मेशन कैसे होता है, वहाँ मैंने पढ़ाया है। तो ये क्या होता है, जब हर्टविक एपिथिलियल सेल जो होते हैं शीट, वो फेल हो जाते हैं टू इन्वेजिनेट एट द प्रॉपर हॉरिजोंटल लेवल, हॉरिजोंटल लेवल पे नहीं आ पाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ओके, नाउ ये जो हो रहा है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड फैमिलियल इन नेचर, अगर फैमिली में किसी को है तो ये जेनेटिकली होता है। नाउ ये ज़्यादा पाया गया है जो फॉसिल होमिनिड्स होते हैं, जैसे नियंडरथल मैंस होते हैं ना, उनमें ये ज़्यादा पाया गया है और देखा गया है। एंड जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स, आपने पढ़ा होगा, जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, उन पेशेंट में भी ये हाइपरटोरोडोंटिज्म देखा गया है। और कुछ जो मेंटल रिटार्डेड पीपल होते हैं, जो टॉल होते हैं और थिन होते हैं, जिनके लॉन्ग आर्म्स रहते हैं, लेग्स रहते हैं, उनमें भी टोरोडोंटिज्म देखा गया है इंट्राओरल कैविटी में। अब इन कंडीशन में प्रोग्नैथिक जॉ, आपने देखा होगा जब इनमें क्या होता है कि प्रोग्नैथिक जॉ, जो जॉ होगा वो एकदम आगे की तरफ होगा। ओके, जो मैंडिबल होगा वो भी आगे की तरफ होगा, तो उनमें भी आप जब देखोगे तो कुछ टूथ जो हैं वो टोरोडोंटिज्म वाले होंगे, बुल लाइक टूथ होंगे, बड़े होंगे। नाउ क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें,
तो ये डेसिडियस और परमानेंट टूथ दोनों में होता है। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि टोरोडोंटिज्म क्या परमानेंट टीथ में दिखता है, तो ऐसा नहीं है, वो डेसिडियस में भी दिखता है, परमानेंट में भी दिखता है, पर परमानेंट डेंटिशन में ज़्यादा दिखता है, मोस्ट कॉमन, मोर कॉमन तो परमानेंट में ही होता है, और वो भी मोलर्स में ज़्यादा देखा गया, मोलर्स में टोरोडोंटिज्म ज़्यादा देखा गया। और ये यूनिलैटरल भी हो सकता है, वन साइड भी हो सकता है, और बाइलेटरल भी हो सकता है, या फिर दोनों, यूनिलैटरल बाइलेटरल दोनों हो सकता है। ओके, अब रेडियोग्राफिक फीचर्स की अगर बात करें तो ये जो टीथ है वो रेक्टेंगुलर इन शेप का दिखता है रैदर देन टेपर टूवर्ड्स दी रूट, क्योंकि जो नॉर्मल टूथ होता है वो रूट की तरफ टेपर होते हैं, बट इनमें क्या होता है रेक्टेंगुलर टाइप का ही दिखता है। ओके, और इसके जो पल्प चैम्बर होते हैं, मैंने पहले ही डिस्कस किया था, जो पल्प चैम्बर है वो एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं। ओके, तो पल्प चैम्बर इसके बड़े होते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। अगर टोरोडोंटिज्म है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है तो ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो गाइज ये था टोरोडोंटिज्म, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू गाइज।